दूसरा वीडियो भी आपको किसान आंदोलन से जुड़ा ही दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक फौजी भाई का गुस्सा अब बाहर आने लगा है। किसानों के आंदोलन को समर्थन खूब मिल रहा है और मोदी सरकार अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक फौजी भाई ने पीएम मोदी को लेकर किसान आंदोलन के बीच क्या बड़ी बातें कही हैं। देखिए इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। ये यूनिफॉर्म जो पहनी है, मैं कुछ दिन पहले चाइना के बॉर्डर के ऊपर ये यूनिफॉर्म पहन के खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, और इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया। इस नाम से नवाजा है आपके गोदी मीडिया ने मुझको। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, किसी भी सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सीओ से फोन पे बात करके देखना और उनसे पूछना कि जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जवानों के स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपको बताएंगे वो। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो। उन्हीं जवानों को, बीवी बच्चे, उनकी बहनें, उनके बूढ़े बाप हक लेने के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ठंड से मर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको सिर्फ बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। कौन से बिजनेसमैन का लड़का बच्चा आर्मी में है? अगर वही बच्चे, वही किसानों के बच्चे बॉर्डर छोड़ के आ जाते हैं, अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, लड़ाई लग जाती है, तो चाइना से आर्मी लेके आओगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हो गया आपके दिमाग को? कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? आपको सभी खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं ना दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उन्हीं जवानों के बाप हैं वो। पूरी की पूरी आर्मी है ना जो पंजाबियों और हरियाणा के फौजियों के सर पे सरदारी करती है वो। देश बच रहा है तो बचा लो उनको, इतना बुरा माहौल मत क्रिएट करो कि जवानों को भी छोड़ के अपने बाप के साथ खड़ा होना पड़े। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।